ओके तो गाइस हम ये सीख चुके थे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो हम उसके लिए उसके रूट्स और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप लिख सकते हैं। और मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ, थोड़ा क्यूबिक और पाई क्वाड्रेटिक के लिए हमने लिखा था। आयुष एक बार अपडेट कर दियो निष्कर्ष सर को, ठीक है? आई वांट टू सी दैट। क्या मैं तो बता दी लिंक कुछ ओके। तो हमने ये चीज देखी थी कि किसी भी क्वेश्चन के लिए किस तरीके से रूट्स लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब कोफिशिएंट्स का रिलेशन, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच का रिलेशन, बिल्कुल रोशनी को लिखने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि अभी सभी लोग हैं तो मैं उन सबके लिए लिख रहा हूँ। तो एक बार मैं उन्हें दिखा देता हूँ क्या मेथड है हमारा लिखने का, राइट? किस तरीके से हम रिलेशनशिप लिखेंगे। तो इसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं S1। S1 का मतलब पहली बात तो जितने रूट्स उतनी इक्वेशन लिखी जाएंगी। अगर हम कोफिशियंट और रूट्स के बीच में रिलेशनशिप लिखना चाहते हैं तो जितनी इक्वेशन सॉरी जितने रूट्स उतने इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स हैं तो तीन इक्वेशन बनेगी। नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज S1। S1 का मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। एक बारी में एक रूट लेना है और सम निकाल के जाना है। जितने भी पॉसिबल पेयर बना सकते हो एक एक के वो सब बना दो। S2 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। और S3 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम। सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम से हमारा ये मतलब है कि आपके पास जितने भी रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स हैं तो आप एक एक रूट को एक बारी में लेंगे। एक बारी लिया अल्फा, एक बारी लिया बीटा, एक बारी लिया गामा और सबका सम निकाल दिया। दूसरा S2 लिखने की कोशिश करते हैं। S2 लिखने के लिए हमें सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि दो दो रूट्स हम चार तीन रूट्स हैं दो दो के पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर बन सकता है अल्फा बीटा का, बीटा गामा का, या फिर गामा अल्फा का, और सबका सम निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम का एक बारी में तीन रूट लेने हैं। तीन रूट का एक ही तरीका बन सकता है अल्फा बीटा गामा तीनों ले लें। तो LHS में हमें हमेशा यही चलना है। अगर हमारे पास चार रूट होते तो चार इक्वेशन बनती, फोर्थ इक्वेशन आती S4 की, सम ऑफ रूट्स टेकन फोर एट अ टाइम। ऐसे ही जितना भी आगे तक प्रोसीड करना है आप ये चीज यही लॉजिक लगाते हुए आगे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन के लिए हम ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे बनती जाएंगी। राइट हैंड साइड के लिए जो भी आपका लीडिंग कोफिशियंट होगा, लीडिंग कोफिशियंट बोले तो जो भी हाईएस्ट पावर है यहाँ पे वेरिएबल की उसका कोफिशियंट, हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स क्यू तो उसका जो कोफिशियंट होगा यानी के ए। सिमिलरली इसके नीचे भी ए, इसके नीचे भी ए। तो राइट हैंड साइड लिखने के लिए डिनोमिनेटर में हमेशा लीडिंग कोफिशियंट लिखा जाएगा। स्टार्ट होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, स्टार्ट होगा नेगेटिव से, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करते जाएंगे फिर। और ए के बाद जो अगला कोफिशियंट आना चाहिए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो होगा वहां से स्टार्ट करेंगे लिखना, कोफिशियंट लिखते चले जाएंगे सारे। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के लिए ये लिख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशियंट्स, राइट? अभी हमने क्यूबिक के लिए लिखा ना, ये तो हुई एक चीज कि हमें रिलेशनशिप पता होनी चाहिए रूट्स के और कोफिशियंट के बारे में। बट अगर हमें, मैं यहाँ पे कुछ दूसरी बात करने वाला हूँ, बट अगर हमें रूट्स दिए हुए हों तो हम अपनी इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद गिवन रूट्स। अगर मेरे को रूट्स दिए गए हैं तो मैं रूट्स की हेल्प से अपना पॉलिनोमियल लिख सकता हूं। चलिए कैसे लिख सकते हैं आइए देखते हैं। सपोज मेरे को अल्फा बीटा गामा तीन रूट दिए गए एंड आई वांट टू राइट
द पॉलिनोमियल जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे। तो मैं इसको लिखते हुए ऐसे यूज कर सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स माइनस एस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। एस वन एस टू एस थ्री का अपनी अपनी जगह जो मतलब होना चाहिए था, माइनस प्लस माइनस साइन भी वैसे ही चलेंगे। सपोज एस वन की वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमने वहां पे ऊपर लिखी थी, एस टू की वैल्यू होगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एस थ्री की वैल्यू होगी अल्फा बीटा गामा। सपोज मैं यही चीज चार रूट्स के लिए लिखना चाहूंगा तो चार रूट के लिए मैं इस इक्वेशन को फिर से वैसे लिखूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक्स की पावर फोर से, क्योंकि चार रूट है तो पावर फोर रही होगी। अब इसके बाद माइनस एस वन एक्स क्यूब प्लस एस टू एक्स स्क्वायर माइनस एस थ्री एक्स प्लस एस फोर इज इक्वल टू जीरो। यानी कि पैटर्न के लिए आपको यही चीज यूज करनी है, एक्स फोर एक्स की पावर फोर से स्टार्ट करेंगे, एक्स की पावर जीरो तक जाएंगे, सबका कोफिशियंट होगा, पहली टर्म का कोफिशियंट लीडिंग कोफिशियंट हमेशा वन मान के चलेंगे, और उसके बाद एक्स क्यूब के कोफिशियंट के लिए एस वन, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के लिए एस टू, एक्स के कोफिशियंट के लिए एस थ्री, और कॉन्स्टेंट टर्म एस फोर। साइन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जहां तक भी जाना है, राइट। तो अगर मेरे को कभी भी यहाँ पे एस वन एस टू एस थ्री एस फोर की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं, इन दिस केस एस वन विल बी सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, यानी के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दिस इज डेल्टा, राइट, दिस इज ऑल्सो ग्रीक लेटर नोन एज डेल्टा। एस टू होगा सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, यानी के दो दो रूट्स के जितने पेयर बना सकते हो बना दो, चार रूट थे दो दो के पेयर बनाने, पहले अल्फा के पेयर बनाने शुरू करें, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ, हटा दो अल्फा के सारे पेयर्स खत्म हो चुके हैं, आगे बढ़े बीटा के पास पहुंचे, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, बीटा के भी सारे पेयर बना चुका हूं, फिर बचता है गामा डेल्टा। तो एस टू को इस तरीके से लिखूंगा, एस थ्री का मतलब है सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, चार रूट है मेरे को, तीन तीन लेने एक बारी में, अल्फा बीटा गामा ले सकता हूं, अल्फा बीटा डेल्टा ले सकता हूं, राइट, या फिर अल्फा का बीटा हटा दो गामा डेल्टा के साथ ले सकता था। अल्फा के तीनों पेयर्स कंप्लीट कर दिए, अगला बचता है बीटा गामा डेल्टा, इसके अलावा और तीन का कोई पेयर नहीं बन सकता। एस फोर की वैल्यू मुझे लगता है हमने इस बैच में आपको थोड़ी सी पीएनसी बताई थी ना जब हम सेट्स पढ़ रहे थे। यस सर आपने बताया था, ये बिल्कुल वही है। S1 का मतलब है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। अगर आप S1 के अंदर जानना चाहते हो कितने कंपोनेंट्स आएंगे, तो बेसिकली आप चार में से एक चूज कर रहे हो, 4C1 की वैल्यू 4 ही आएगी, चार कंपोनेंट्स हैं। S2 का मतलब है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। तो आप जानना चाहते हैं चार मेरे को रूट्स दिए हुए हैं, मैं दो दो के कितने पेयर्स बना सकता हूं, तो यानी कि 4C2 पेयर्स बना सकता हूं, चार में से दो चीजें सेलेक्ट करने के 4C2 वेज हुए। 4C2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 6 आएगी, तो देख लो 6 कंपोनेंट्स। 4C3 की वैल्यू फिर से 4 आएगी, तो चार कंपोनेंट्स हुए S3 के। S4 मतलब चार में से चारों सेलेक्ट करने हैं, 4C4 एक ही तरीका है, 4C4 which is alpha, beta, gamma and delta. ये तो दिखाया मैंने आपको जनरली यूज्ड इक्वेशन के लिए, यानी कि क्यूबिक को कैसे लिखना है या फिर बाई क्वाड्रेटिक को कैसे लिखना है। बट अगर यही चीज मैं लगा रहा होता किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जिसपे n रूट्स हैं, तो वहां पे भी लगा सकता हूं, यही काम करते हुए चला जाऊंगा बस। Can I rub this above equation, ये जो सबसे ऊपर लिखी हुई है ax cube plus bx square plus cx plus d, किसी का भी बच्चा हैंड रेस कर सकता है? Okay. तो अगर if alpha 1, alpha 2 up to alpha n are the roots of an nth degree
polynomial, then polynomial can be written as बिल्कुल सिमिलर मेथड से x की पावर n से स्टार्ट होगा, यानी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा x की पावर n, nth डिग्री पॉलिनोमियल है, माइनस s1 आएगा अगला कोफिशियंट x की पावर n माइनस 1 का, प्लस s2 आएगा अगला कोफिशियंट x की पावर n माइनस 2 का, माइनस s3 आएगा अगला कोफिशियंट x की पावर n माइनस 3 का, और यही प्रोसेस चलता जाएगा। लास्ट वाली जो टर्म होगी वो होगी माइनस वन की पावर एन, फर्स्ट वाली थी माइनस वन की पावर वन, अभी तो वहां पे माइनस आया, दूसरे वाले में पॉजिटिव तो उसको मैं लिख सकता था माइनस वन का स्क्वायर, तीसरे वाले में फिर से नेगेटिव यानी कि माइनस वन का क्यूब, लास्ट वाले में कैसा साइन आएगा हमें नहीं पता, माइनस वन की पावर एन लिख सकता हूं एस एन, जहां पे ये एस वन का मतलब है सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, S2 का मतलब है sum of roots taken two at a time. Similarly, Sn का मतलब है sum of roots taken n at a time. तो मैं लिख देता हूं where Sk, Sk का मतलब है sum of roots taken k at a time. आप S1 निकाल रहे हैं तो one at a time, S2 निकाल रहे हैं तो two at a time. Sum of roots taken k at a time. तो ये पैटर्न बनते हैं, इस अगर पैटर्न को आप समझ पाते हैं तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं, आप कोफिशिएंट और रूट्स के बीच की रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको रूट्स दिए हुए हैं तो आप उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। नोट करिए पूरा, उसके बाद अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
जी कैन आई राइट दिस हैशटैग फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीनोमियल फ्रॉम गिवन रूट्स कोई बच्चा है तो हैंड रेज करे एंड इफ समवन हैज एनी प्रॉब्लम जिसको ये पैटर्न समझ ना आए वो भी मुझसे बात कर सकता है क्योंकि ये पैटर्न समझना इज इम्पोर्टेंट एंड इजी एज वेल आप समझ सकते हैं इस पैटर्न को किस तरीके से चल रहा है S1, S2, S3, S4, S5, S6 ऐसे चलता रहेगा आगे आगे राइट हैंड साइड का पैटर्न है डिनोमिनेटर में रहेगा हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट उसके बाद वाले कोफिशिएंट से लिखना शुरू करेंगे पहले इक्वेशन में बी सी डी ई आगे तक बढ़ते चले जाएंगे माइनस से साइन स्टार्ट होगा माइनस प्लस उसी का बिल्कुल उल्टा अगर मुझे रूट्स दिए हुए तो इक्वेशन कैसे बनेंगे पहला कोफिशिएंट 1 दूसरा कोफिशिएंट S1 S2 तीसरा S2 फोर्थ इज S3 आगे बढ़ते चले जाएंगे जितनी भी डिग्री की इक्वेशन है उसी के हिसाब से साइन कैसे स्टार्ट होगा S1 के साथ माइनस से स्टार्ट होगा फिर ऑल्टरनेटिवली चेंज करते जाएंगे हर बार ओके मैं इस पूरे को नीचे वाले को पोर्शन को हटा रहा हूं लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन एंड व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट तो क्वेश्चन के अंदर में ये दिया गया है कि देखिए आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी जहां पे बी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है राइट और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर रैशनल कोफिशिएंट्स है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मेरे को दिया हुआ है 1/a + √b नाउ 1/a + √b और अगर b को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल रहे हैं तो यानी कि √b विल बी अ इरेशनल नंबर राइट भाई अगर रूट पूरा सॉल्व नहीं हुआ और पूरा सॉल्व तब होता जब b की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती सो √b will give an irrational number root b की वजह से this 1/a + √b पूरा का पूरा irrational बन जाएगा मेरे को एक root दिया हुआ है quadratic expression जिसके rational coefficients हैं और उसका एक root अगर irrational है तो हमने लिखा था कि उसका दूसरा root भी we can find out can you guys tell me कि दूसरा root क्या होगा इस equation का एक रूट तो है 1/a + √b आई वांट टू फाइंड आउट कि दूसरा रूट क्या होगा क्योंकि अगर दोनों रूट मिल गए तो मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को भी लिख लूंगा इजीली कोई दिक्कत नहीं 1/a - √b करेक्ट इसी का इरेशनल कॉन्जुगेट जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स पेयर्स में आते हैं वैसे ही इरेशनल रूट्स हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के और कोफिशिएंट रैशनल है उसके जो कि इसने मुझे दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स तो दूसरा रूट उसका इरेशनल कॉन्जुगेट होगा दैट इज आपको इरेशनल वाले टर्म का साइन चेंज कर देना सो एज इरेशनल रूट्स always occur in pair तो अगर हमारे पास पहला रूट है तो दूसरा भी that is the roots of the given equation are 1/a + √b आपने हमें दिया है और हम कह रहे हैं कि दूसरा रूट पक्की बात है यही होना चाहिए a - √b अगर एक रूट इरेशनल तो दूसरा भी उसके साथ वाला इरेशनल ही होगा और सिर्फ इरेशनल वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे दैट इज 1/a - √b नाउ दिस इज अल्फा तो दिस इज बीटा मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ऐसे जा सकती है x square
माइनस एस वन एक्स प्लस एस टू इज इक्वल्स टू जीरो. वॉट इज एस वन? एस वन इज सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम. दो रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम एस वन की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ वन अपॉन ए प्लस रूट बी प्लस वन अपॉन ए माइनस रूट बी. सॉल्व करूंगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा नीचे तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी. ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर. और ऊपर बनेगा इस वन का मल्टीप्लीकेशन होगा ए माइनस रूट बी के साथ प्लस इस वन का मल्टीप्लीकेशन होगा ए प्लस रूट बी के साथ. रूट बी से रूट बी कैंसिल, वैल्यू आ गई टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी. दिस इज एस वन. एस टू विल बी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम. क्योंकि मेरे पास रूट ही दो हैं तो एस टू तक ही जा सकता हूं, एस थ्री तो बना ही नहीं सकता भैया. एस थ्री का मतलब होता सम ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम. तीन कहां से लूंगा जब रूट ही दो है. So S2 will be sum of roots taken two at a time. दो को तो बस एक ही तरीके से ले सकता हूँ कि दोनों ही रूट को ले लूँ अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा इंटू बीटा विल कम आउट एज वन अपॉन ए प्लस रूट बी इंटू वन अपॉन ए माइनस रूट बी विच विल बी वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी. एस टू भी मिल चुका है, एस वन भी मिल चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूं इजीली. हेंस द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस वन विच विल बी टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी इन दिस केस टाइम्स एक्स प्लस एस टू यानी कि वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो. अगर पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उधर तो ए स्क्वायर माइनस बी से मल्टीप्लाई करते ही जीरो ही बन जाएगा. इधर वाली साइड ए स्क्वायर माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी, पहले वाली चीज ए स्क्वायर माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी. दूसरे में ए स्क्वायर माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर और ए स्क्वायर माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, इसीलिए तो किया था मैंने. इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड ए स्क्वायर माइनस बी. सो द एक्सप्रेशन विल बी ए स्क्वायर माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. ये वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका रूट वन अपॉन ए प्लस रूट भी आएगा और सेकेंड रूट ऑब्वियसली हो जाएगा वन अपॉन ए माइनस रूट. सर सर इसमें हमें जरूरत है ए स्क्वायर माइनस बी एलसीएम लेने की और फिर ट्रांसपोज करने की. बस थोड़ा अच्छा लगता है, जनरली इक्वेशन देते हैं तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते और कैसे लिखते हैं. वैसे ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं कि भाई हमें ऐसी ध्यान से, पर तुझे दिया ऐसी होगा. सर आपने सिंपलीफाई करने के लिए a स्क्वायर माइनस b से मल्टीप्लाई किया था. बिल्कुल रोशन. ओके सर. जिससे कि मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहे. मान ले फॉर एग्जांपल कि सपोज मेरी कोई इक्वेशन ये दी हुई है x स्क्वायर माइनस x बाय 2 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 0. तो वैसे तो ठीक है, इक्वेशन को दिक्कत नहीं है, बट ये और ज्यादा अच्छी दिखेगी अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं जिससे कि इसका डिनोमिनेटर हट जाए. तो यही इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है, इसके रूट्स रूट्स निकालने में भी थोड़ी आसानी होगी अगर निकालने जाऊंगा तो. 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 4 के साथ कैलकुलेशन ना करनी पड़े हमें, इसके लिए हम ये काम कर देते.
तो अगर रूट्स दिए हुए हैं तो यार आप उस पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं बहुत इजी। ये आप जनरली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे, क्यूबिक पे और बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे तो लगाएंगे। एक तो बात हुई कि बट दिस वॉज समवॉट इजी, मैं ऐसा मानता हूँ, आपको तो नहीं पता बट मैं मानता हूँ कि ये टॉपिक हमारा हल्का है। बट जस्ट इसके बाद जो चीज पढ़ते हैं वो टॉपिक अच्छा है, दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कैन वी मूव, कोई बच्चा है तो हैंड रेज कर दे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम पूछ लो। ऋषिक लिख रहा है, तब तक कुछ भी पूछना है किसी को पूछ सकते हो। नहीं, इसके बाद तो जो हमने पढ़ना हो तो इससे अगला टॉपिक सही है। अच्छा, जब तक ये लिख रहा है लिखता रहे। और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, डू यू हैव क्लास आफ्टर 9? किसी की भी यहाँ पे क्लास है, या इज देयर समवन हु कांट कंटिन्यू आफ्टर 9? यस सर, आई हैव अ क्लास At 9 only? Yes, sir. सर आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, अब irrelevant हो गया question. Okay, sir. क्योंकि उर्वशी ने answer ये सब ये, मतलब हम यही पूछ रहे थे कि किसी को कोई problem है क्या, किसी की 9 बजे से क्लास तो स्टार्ट नहीं होगी तो उसकी क्लास physics की extra है आज ही। आजम सर कैप्सूल कोर्स चल रहा है ना हमारा, मिड टर्म का सिलेबस खत्म कराने तो सर मिड टर्म का सिलेबस करा रहे हो 9 to 10:30। अच्छा, कूल, मेरी भी लगेंगी उसमें भी क्लासेस। क्या क्या सिलेबस आ रहा है गाइस तुम्हारा? सर एनसीईआरटी का आ रहा है मेरा तो, जो सीबीएसई नहीं एनसीईआरटी का ही आ रहा है सबका। नहीं मतलब सर एनसीईआरटी एज इन सीबीएसई ने जो करा है, मैं सर आपको पढ़ के बता देता हूँ, एक मिनट बता दे देख के। One, two, five, seven, nine, limits and stats. One is sets, two is relation and function. Fifth is, I guess, complex numbers. है ना? Yes. सर मैं बताऊं पढ़ के? बता दे। हाँ सर एक मिनट। सर sets, relations और complex number, sequence series, straight line, limits, सिर्फ derivatives नहीं limits. और सर ये स्टैटिस्टिक्स। हाँ सर ठीक है, तो यानी कि हमें इसमें से पढ़ना होगा रिलेशन फंक्शन और सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, लिमिट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यस सर
कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस अभी अपन तुम्हारे पास 18 दिन है, 20 से 2 से 20 तक, तो अब इस वीक और नेक्स्ट वीक हम तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और उसमें अपन को एनसीईआरटी का पढ़ना है। ये भी देख लेना तुम कि एनसीईआरटी का सिलेबस कितनी जल्दी खत्म हो सकता है अगर हम चाहें। सर मैं बताऊं सर आपको, सर डिलीटेड भी तो है एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो बहुत छोटा सिलेबस है एनसीईआरटी का। सर मेरा दो क्लास लगेंगी हमें लिमिट, ये इनइक्वालिटी पूरी खत्म करने में, जस्ट टू क्लासेस, और दो क्लास में हम लॉट ऑफ वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। सर हमारे यहाँ स्कूल में हमारी मैम जानबूझ के हमें फ्री पीरियड या फिर कुछ और करवा रही है, एक्टिविटी या प्रैक्टिकल का काम करवा रही है क्योंकि टर्म वन हो चुका है उनका। यही रहता है भाई, एनसीईआरटी का सिलेबस आज ही में इनइक्वालिटी पढ़ा रहा था 11th क्लास की, तो एनसीईआरटी का सिलेबस ही करा रहा था उनको मैं। सर वो एक क्लास में पूरा सिलेबस खत्म हो गया। सर हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किस दिन कौन सा चैप्टर शुरू होगा, कब खत्म होगा, और वही होता है एक्सरसाइज जितनी उतने दिन बस। हाँ सही बात, सही है, सारे करा दूंगा मैं आयुष, कोई दिक्कत नहीं। टाइम तो यार यही लगता है जब अच्छी चीजें पढ़ रहे होते हैं, इसमें तो अपन दौड़ते चले जाएंगे, कुछ करना नहीं है, दो तीन तरीके के क्वेश्चन। सर फिर रेगुलर क्लास में तो वो चैप्टर्स फिर से कराएंगे ना? हाँ वो अपना रेगुलर क्लास होगी, ये तो सिर्फ आपके नॉर्मल जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसके लिए पढ़ा रहे हैं बस। उसमें हम आपको क्वेश्चंस ज्यादा कराएंगे, थ्योरेटिकल चीजें कम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस पे फोकस रखेंगे, और हम ये बता देंगे आपको कि हर चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक सेट्स में से क्या आ सकता है, रिलेशन फंक्शन में से क्या आ सकता है, उस तरीके के सेट्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, पर फिर भी जो चैप्टर हो भी चुके हैं उसमें भी मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप हर तरीके के तीन चार क्वेश्चंस लगा के जाओ। मिसलिनियस एक्सरसाइज, मिसलिनियस एग्जांपल एक भी मत छोड़ना एनसीईआरटी से, सब लगा लेना तो सब आप कर सकते हो फिर, और थोड़ी आरडी भी, आरडी से भी आते हैं क्वेश्चन, लाइक आपका पेपर ऐसे बनता है 50% वो। सर मेरे फर्स्ट टर्म में तीन पेपर हो रहे हैं, एक ले चुके हैं, एक अभी लेंगे सितंबर में और एक नवंबर में फिर से लेंगे। हाँ सर मेरे यहाँ भी यही है, यूनिट वन, यूनिट टेस्ट वन, यूनिट टेस्ट टू, और फिर तो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया ना। हाँ वो सीबीएसई का पैटर्न चेंज, मिड टर्म तक सर बेस्ट पार्ट एमसीक्यू है पूरा। चलो ये बहुत बढ़िया बात है कि सभी लोगों का सेम है, अदरवाइज पिछले साल तक ये प्रॉब्लम हुआ करती थी हमें हर बार कि भाई सब कुछ सिलेबस अलग अलग आ रहे हैं, तो बेसिकली सारे 15 के 15 चैप्टर कवर हो जाते थे, अब मैं कैसे करूंगा यार 15 चैप्टर तो नहीं हो सकते, मतलब ऑब्वियस सी बातें होते, तो पिछले साल तक तो यही प्रॉब्लम रहती थी, अगले टर्म 2 के एग्जाम में नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। हाय पेपर ऑफलाइन किस किस के हैं भाई पेपर ऑफलाइन? मेरे तो ऑनलाइन है। और किसके ऑफलाइन है आयुष के अलावा? सर मेरे ऑफलाइन है, स्कूल जा भी रहा हूं मैं रोज। दिव्यांशु, आयुष, दिव्यांशु दिल्ली में स्कूल कब से खुल गए? सर नोएडा में। अच्छा नोएडा में तो बुला दे रहे हैं, जाना भी पड़ता है। सही अभी तो और... अभी तो ठीक है ना सर, अभी मेरा मॉर्निंग बैच में, अब नेक्स्ट मंथ मुझे इवनिंग बैच में डाल देंगे, मेरी क्लासेस छूटेंगी। तो आयुष तू भी नोएडा से है क्या? अच्छा आयुष और दिव्यांशु दोनों नोएडा से, इसीलिए तुम्हें जाना पड़ रहा है। राइट 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 राइट, वरना दिल्ली के तो स्कूल्स बंद है अभी, ऐसे सेम यूपी के भी स्कूल्स बंद है, के भी स्कूल खोलने का वो लोग प्लान कर रहे हैं, बोल दिया है सेकंड सितंबर से आई थी डेट। तो सर मेरा स्कूल भी मेरे को लगता नहीं है सर खुलेगा, वो तो मना ही कर रहा है हमारे स्कूल में। क्या बोल रहे सर? पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, बट पेरेंट्स हमारे यहाँ इतना पुअर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हमारा स्कूल खुलना था एक्चुअली पिछले वीक ही यार, बट नहीं खुलना चाहिए एक्चुअली, तो मतलब कोई पॉइंट नहीं है। हफ्ते में तो दो दिन में हमारा खुल रहा है जैसे, तो खुल जाने से थोड़ा तो ऑफलाइन चलता है। सर न्यूज में भी है सर कि साउथ में, केरला में और कर्नाटक में शुरू हो गया है लॉकडाउन, जारी होने वाला है, तो सर थर्ड वेव आ गई। वही ना, वही बट द प्रॉब्लम इज कि जहां जहां पे भी स्कूल्स खुले हैं वहां पे बहुत सर्ज हुआ है केसेस, लाइक अभी 3 दिन के अंदर 70 केसेस आए हैं जिस दिन स्कूल्स खुले। सर और हमारी वैक्सीन है नहीं, तो अगर वैक्सीन नहीं है तो सर हमारे को बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करेगा वो।
जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो तब भी 70% 80% सेफ है, कुछ नहीं है ऐसा, केसेस अभी बढ़ ही रहे हैं, बकवास है सब सर, थोड़ा सर जैसे सर मेरे जानने में भी है सर, हुआ है उन्हें सर कोविड हुआ है मैं मानता हूँ सर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वर्स नहीं हुआ है बस। अरे वही भाई, हम सब निकाल के बैठे हैं, इतनी टेंशन थी मम्मी पापा की और सब चीजें, मतलब हमने काफी एनालाइज क्या हो रहा है, और भाई मैथ्स वाला बंदा मैं तो डेटा से देखता हूँ, मैं तो देख सारी चीजें, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोल रहा है कोई बंदा, मेरे को डेटा दिखाओ उसके बाद बताओ। तो हाँ, एक जो अच्छी बात है बस वो यही है कि जितना भी जैसे तुमने बोला सीवियरिटी नहीं, मतलब कि डेथ रेट फेटेलिटी रेट कम होगी राइट, और सिर्फ यही फायदा है वैक्सीनेशन का दोनों डोज लगने के बाद कि हाँ शायद आप मरोगे नहीं, इसके मरने के आपके चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं है कि मरे नहीं है, लोग मरे फिर भी, तो बस मैं यही बोल सकता हूँ कि फर्टेलिटी रेट कम हो गया बट सर, लेकिन स्प्रेड तो सेम ही रेट पे हो रहा है क्योंकि म्यूटेट, स्प्रेड भी सेम ही रेट पे हो रहा है, और म्यूटेट हो के वो तो अलग अलग वर्जन हो आज आए जा रहे हैं। तो पता है तुझे, इनफैक्ट के एक नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट, उसने तो ये भी बोला है, मैं वैक्सीन लगवा के आया था फर्स्ट, उसी के बाद मेरे दोस्त ने मेरे को ये न्यूज भेजी है कि एक वैक्सीन के बाद कि भाई जितने भी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है 2 साल में सब लोग मर जाएंगे, वो तो ऐसा बोल रहे क्योंकि हमारे अभी सर सर मैं थोड़ा गेम ज्यादा खेलता हूँ तो सर मेरे को तो ये लगता है ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो जाएगा। मैं भी बहुत गेम्स खेलता हूँ सर, द लास्ट ऑफ अस में जैसे था वैसे ही। हाँ भाई सही में गलत हो जाएंगे सीन्स, मुझे भी ऐसा लगता है। वैसे अभी तक जो रिपोर्ट है मैथमेटिकल मॉडल्स बन चुके हैं काफी, तो 2031 तक आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है, 2031 तक तो अभी नहीं समझ आ रहा है कि क्या इसका एंड है, एंड टिल द टाइम वी डोंट गेट द परमानेंट वैक्सीन तो तब तक तो कुछ सीन नहीं है। वैसे ये जैसे एड्स की अभी तक नहीं आई है, बट बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब प्रॉब्लम तो है ये थोड़ी सी, बट स्टिल ये बोल सकते हैं कि भाई नहीं जाना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल सर थोड़े सर इस साल या अगले साल के बाद फिर ये कॉमन कोल्ड की तरह होने लगेगा, सबको ये रहेगा वही इसका इलाज रहेगा कि ये कॉमन फीवर की तरह हो जाएगा, बिल्कुल लोगों को इतनी बार हो जाएगा ये, जैसे सर हमारे एंसेस्टर्स भी कॉमन कोल्ड से मर जाते थे, हमारा डेथ रेट बहुत था तब, बट हम इवॉल्व करके हम लोग को कम होने लगा, वही इवोल्यूशन हमारे ही होगा, एंटीबॉडीज हमारे अंदर ही बनेगी तब भी कुछ सीन हो पाएगा इसका, या फिर परमानेंट वैक्सीन आ जाए, पता नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी परमानेंट वैक्सीन कोई बना भी रहा है, मतलब शुरू तो करी होगी ना इन्होंने इनको, ओरल वैक्सीन छोड़ने लग गए हैं कि टैबलेट फॉर्म में ओरल वैक्सीन का भी हो रहा है, कहीं इन्होंने हमें छोड़ तो नहीं दिया है कि ठीक है अब तो वैक्सीन बन गई, मर रहे हैं सर, वो तो पता नहीं क्या गया है सर। और जैसे सर मेरी फैमिली में लगवाया सर, सबने फैमिली में मेरे लगवाया तो उन्हें फीवर इतना ज्यादा हो गया कि सर फिर मैंने ही लगवाया भाई, मौत दिख गई थी। हाँ सर, मैंने कहा क्या कर दिया मैंने, मैं तो भाई अगले दिन मुझसे खड़ा नहीं हो गया, मेरे को चक्कर आए हैं, मतलब मैं घूमा हूँ आज मेरा भाई, मैंने पूरे दिन गुजार दी। हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ सुबह सुबह, मेरे को सारे वाले दीवार पकड़ पकड़ के ऐसे में खड़ा हुआ, मेरे सर्वर घूम रहे, मैं कह रहा हूँ मैंने क्या कर लिया वैक्सीन लगवा के, और उस मेरे दोस्त ने मेरे को वो भेज दी रिपोर्ट कि भाई सब मर जाएंगे 2 साल बाद, मैंने कहा लो बहुत, मैंने कहा मर गए, क्या कर दिया ये अपने साथ, मैंने कहा भाई क्यों ही लगवा ली वैक्सीन, पहले दिन तो 2 दिन तो मतलब मैं इसी उसमें रहा हूं कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया ये अपने साथ, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था सर। मेरे ब्रदर को भी लगी थी तो उसका तो रात में इतना फीवर हो गया 106 पहुंच गया। काफी फीवर हुआ है मेरे को भी, बहुत वीकनेस और बहुत फीवर हुआ, ये तो हुआ, बट चलो देखते हैं क्या होता है भाई, पर मेरा तो बस इतना सही कहना है कि भाई देख लो, बी सेफ, स्टे सेफ गाइस, स्टे होम, घर पे मम्मी पापा भी हैं, अपन भी तो इम्यूनिटी बढ़ी है। हाँ यार वो तो आई एग्री, ऐसा तो हुआ है, बट स्टिल द पॉइंट इज यार सिर्फ हम ही नहीं है ना, घर पे मम्मी पापा भी हैं, घर पे दादी दादा भी होते हैं, तो मतलब उनकी इम्यूनिटी तो वीक ही है ना हमसे, तो अपन को हो गया तो फिर भी झेल ले जाएंगे यार, अपन को फर्क नहीं पड़ता बट उनको काफी फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए मेरा तो यही है कि भाई तक रुक सकते हैं रुक के जाओ। चलो हाँ ये भी है, आयुष 11th की स्कूल लाइफ बेस्ट होती है, बट बेटा ये स्कूल लाइफ ना ये ना बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल पीरियड है तुम्हारा, तुम ये बात समझ लो,
लाइक कि 11th क्लास में पढ़ना भी सबसे इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास सबसे ज्यादा फन भी है, दोनों ही चीजें हैं, बट 11th क्लास में पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस वॉज माई मिस्टेक जब मैं तुम्हारी एज में था, मैंने 11th में पढ़ाई नहीं करी, मतलब जितनी ही करनी चाहिए थी। शुरुआत के 3-4 महीने बहुत पढ़ा, उसके बाद मुझे लगने लगा अरे सब इजी तो है, टीएसएफ ओढ़ देंगे अपन तो, अपना टॉप 3 में रहता था मैं एकदम पीसीएम तीनों में, तो मेरे को लगा बहुत इजी है कर लेंगे। और फिर मैंने 100% अटेंड, मेरे को वो मिला 11th क्लास में, किसी क्लास में नहीं मिला, वो 11th क्लास में मिला एक बार वो 100% अटेंडेंस वाला जो वो सर्टिफिकेट होता है, कह रहे ये तो रोज आए। बाद में मैंने इतना रोया हूँ मैं कि मैंने क्यों मैं रोज गया हूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं थी जाने की, क्यों है मैं 12th में डमी, मतलब मैं 12th में एकदम 25% अटेंडेंस के साथ रहा हूँ, मैंने 12th में बहुत फेल के पढ़ाई करी है। मैंने कहा नहीं भाई, तो 11th क्लास ऐसी है बहुत वल्नरेबल है, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ आज भी, और 11th को मैं बहुत समझाता भी हूँ, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें सीखनी, लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर IQ, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड एज वेल, यू हैव टू स्टार्ट, मतलब अगर तुम IIT क्रैक करना चाहते हो तो नहीं होगा नहीं तो। सर आज मैंने, सर मेरा केमिस्ट्री का पेपर है कल, तो सर आज भी मैंने, सर मैंने स्कूल की छुट्टी ले गया, मैंने उसका बड़ा मेरा ज्यादा प्रोडक्टिव दिन गया, बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है यार 11th का। हमारी एज भी ऐसी होती है कि हमें बहुत जल्दी चीजें समझ भी आ रही होती हैं, हम बहुत ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, लाइक बिलीव मी स्कूल में सर इतने आवर्स वेस्ट होते हैं, मैं तो ये देखता हूं। आज से 8 साल बाद तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, लाइक मैं अभी, मतलब मैं अभी आई एम ऑल्सो इंडल्ज समवेयर के जहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ कुछ चीजें, बट मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ कि मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ अपनी पढ़ाई से, क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा पढ़ा है 15-15 घंटे 16 घंटे के, अब लाइफ में ऐसा लगते ही नहीं है, अभी तो काफी कम है, ज्यादा नहीं है तो अभी, मतलब अब ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि मैं कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ा हूँ मैं उस टाइम पे, 15-14 घंटा एवरेज निकाला है मैंने टाइम पर, निकलता नहीं है भाई। कभी मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा, एक क्लास में प्रॉपरली तुमसे सिर्फ इसी बारे में रखूंगा कि तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, लाइक आई हैव बीन डीपली इंडल्ज्ड इन प्रिपरेशन, मैंने बहुत ही मेहनत से हार्डवर्क से पढ़ाई करी है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट एज वेल, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है उस टाइम पे, और उसने मेरे को बहुत काफी चीजें भी सिखाई हैं। तो मैंने आपसे पहले भी एक बात बोली थी कि इट डजंट मैटर कि हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, बट मैटर व्हाट मैटर्स इज दिस जर्नी, आपको ये जर्नी बहुत अच्छे से मतलब जीनी है, ये जियो बढ़िया, इसमें मेहनत करो, इससे सीखो, बहुत प्रोडक्टिविटी आएगी तुम्हारी लाइफ में। और ये मैटर नहीं करता क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, हम कुछ सेलेक्ट हो गए कुछ नहीं हो पाए, राइट, बट ऐसा नहीं है कि आज वो अनसक्सेसफुल है, सब लोग सक्सेसफुल हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट मैटर्स इज कि कितना तुम सीखते हो इस एज में, ये 11th 12th 2 साल, ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, ये मैं आज बता रहा हूँ, तुम में से कुछ नहीं होगा, बट डोंट गेट डिसहार्टेड बाय दैट, कोई लाइफ रुक नहीं जाती, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका सिलेक्शन होगा उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट यू ऑल्सो हैव द चांस कि तुम तब भी सबको पीछे कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरा अगले 8 साल 9 साल 10 साल तक चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं कि तुम सबको 27-28 तक तुम्हारे पास सब चांसेस है, राइट। मतलब अभी मैं उस स्टेज में नहीं पहुंच पाया कि जहां तक मेरे पास चांस नहीं है, मैं तो अभी 24-25 का, तो मतलब मैं उस स्टेज में हूँ, अभी भी मुझे सब, अभी मैं तुमसे ज्यादा देख के आया हूँ लाइफ, तो कब बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगी लाइफ में, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जस्ट डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, मैं बस एक बात कहूंगा। पता नहीं चलता ये एज, मैंने जैसे तुमसे पहले बताया बहुत वल्नरेबल है, हमारा मन करता है हम स्कूल जाएं, हमारा मन करता है हम भाई बहुत तफरियां करें, हमारा मन करता है गेड़िया मारे, खैर तुम्हारे ये तो डजंट अप्लाई, तुम्हारे तो लाइफ ही अलग होगी क्योंकि तुमने तो कोविड देख लिया, बट इस एज में हम ना बहुत ही ज्यादा बहक जाते हैं, बहुत हल्के में इधर उधर निकल जाते हैं, भटक जाते हैं, बट वो नहीं करना है गाइस, क्योंकि तुम जितना मतलब करो, मैं ये नहीं कह रहा, मजे भी करो लाइफ में, फन भी करो, बट द पॉइंट इज के कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना डेली पड़ेगा, पढ़ो, पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा, और एवरेज हम बोल ही रहे हैं कि 14 घंटे एवरेज निकलता नहीं है यार, लाइक पूरा दिन में तुम्हें मिनिमम 3 घंटे सिर्फ अपने खाने नहाने और पूरे घर के रोज तुम्हारे डेली जो कोर्स जो होते हैं उसी में तुम्हें लग जाएंगे इतना टाइम, और तुम्हारा टाइम मतलब होगा ही होगा वेस्ट, 3 घंटे चले गए। और ऐसे में मैं एक बात और बहुत बताता हूँ कि भाई हम ऐसा होता है कि हम बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और हम कुछ सोचना शुरू कर देंगे, आई तो सामने एक मक्खी थी, मच्छर था, और उस मक्खी मच्छर से पता नहीं अपन कहाँ निकल गए, और भाई स्कूल के बारे में सोच लिया, और पता नहीं कितने सारे, क्योंकि ये माइंड बहुत ही ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट करता है, वो एकदम भागता रहता है,
तो उसको ना बहुत सही से इसको मैनेज करना है कि तुम एक बार मक्खी से और पता नहीं कहाँ निकल जाते हो, अगले 15 मिनट का पता ही नहीं चलता। तो ऐसा कहना कि 14 घंटे पढ़ना और एक्चुअली पढ़ना बहुत फर्क होता है, क्योंकि पहले में 14 आवर्स की सिटिंग भी बनाई है मैंने। ऐसे नहीं कि तुम 14 आवर्स पहले दिन से स्ट्रेट पढ़ना शुरू कर दोगे, तुम धीरे धीरे टाइम बढ़ा पाते हो। 6 आवर्स 8 आवर्स 10 आवर्स बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है 6 घंटे 8 घंटे, राइट। और फिर उसके बाद उस पूरे टाइम में ज्यादा से ज्यादा इफिशियंटली पढ़ना, तो दिस इज अ प्रोसेस, दिस टेक्स टाइम, बट जब तुम पढ़ने लगोगे तो यू विल हैव फन, ये मैं बता रहा हूँ। मतलब इफ यू लाइक स्टडी, तो अगर नहीं इतने पसंद है स्टडी तो एक अलग पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है। बट अगर तुम्हें पसंद है पढ़ना, मेरे को तो तब तुम्हें फन आने लगेगा उस चीज में, कि तुम्हें क्वेश्चंस तुम गिनने लगोगे रोज के क्वेश्चंस, आज मैंने 80 क्वेश्चंस लगाए कि नहीं लगाए। तुम अपने डेली के टारगेट सेट कर लोगे, तुम्हें खुद ही आगे का रास्ता मिलता चला जाएगा, बट यू हैव टू मूव ऑन दैट पाथ फर्स्ट। अगर तुम चलोगे नहीं उस रास्ते में तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम। तो इसलिए मेरा बस एक ही सजेशन, ये लाइफ, ये क्लास फन बहुत होती है बट बहुत पेनफुल होती है बाद में, ये मैं तुमसे बता रहा हूँ। तो इसलिए बहुत ऐसे हो जाती है यार 12th में 11th का कोर्स कवर करते करते, लाइक आई हैव लेफ्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 12th में मैंने जाके कवर किया था दूसरे बैच में IIT के, मतलब ड्रॉपर्स बैच में मैंने जाके वो टॉपिक कवर किया था और मैं रो गया था बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल पढ़ने का। तुम्हारा एक चैप्टर उधर से चल रहा है, एक चैप्टर तुम इधर भी कर रहे हो, 3 चैप्टर तुम्हारे कंटिन्यूअसली रेगुलर बैच में भी चल रहे हैं, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक मैथ्स, तुम्हें उसके भी क्वेश्चंस लगाने, फिर तुम्हें अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ड्रॉपर्स बैच में जाकर पढ़ना वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ड्रॉपर्स बैच में तेज पढ़ा रहे होते हैं टीचर, हम भी तेज ही पढ़ाते हैं, सभी लोग तेज पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जान के बैठे होते हैं, समझ के बैठे होते हैं बहुत सारी चीजें, तो उन्हें बेसिक से नहीं समझाया जाता, तो काफी टफ हो जाता है पढ़ना। तो इसलिए जब हम 12th के साथ अपना पुराना पोर्शन कवर करते हैं या किसी भी क्लास के साथ पुराना पोर्शन कवर करते हैं, टफ रहेगा। 11th के लिए भी अगर तुम पुराना चैप्टर छोड़ के और आगे वाले चैप्टर को कर रहे हो और फिर तुमने कभी वो पुराने वाला चैप्टर कवर करने की कोशिश करी, टफ रहेगा। तो इसलिए बस एक ही सजेशन, मजे करो बट पढ़ाई भी करो, लाइक दैट इज इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि सिलेक्शन होना हो वो तो पता नहीं हमें, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लाइक उसके अलग अलग फैक्टर्स, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस जर्नी को सही से समझ लें और ये जर्नी हमें हार्डवर्क सिखा दें। क्योंकि एक मेरा मेरे टीचर थे जो मैथ्स के, तो लाइक बहुत बड़े टीचर हैं पहली बार तो, और उनकी बुक मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ, अमिताभ अग्रवाल, और वो लास्ट ईयर उन्होंने IIT JEE एडवांस रैंक 1 दी है, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो यू कैन गेट एन आइडिया किस लेवल के वो टीचर हैं। बहुत ही ज़्यादा तोड़ू टीचर, मतलब फोड़ू टीचर एकदम, वो बिल्कुल बोलते नहीं थे, उनकी क्लास बड़ी बोरिंग होती थी वैसे, मतलब मेरे लिए नहीं बहुत सारे बच्चों के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल बात नहीं करते थे, वो सिर्फ पढ़ाते थे। उनका मतलब ही ये था भाई, सिर्फ आए हैं क्लास में फर्स्ट लेके और बहुत तेज पढ़ाना है, तेज 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 बोलते भी थे, तेज पढ़ाते थे। बट जितनी उन्होंने बातें करी हैं उसमें उन्होंने एक बात कही थी, मुझे उनकी सारी काफी बातें याद है, बट एक बात उन्होंने मुझसे बोली थी, मतलब ऐसे क्लास में बोली थी कि जब मैं 11th में थोड़ा पढ़ नहीं रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली कि देखो मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ, यू आर स्मार्ट बट स्मार्ट वर्क से आपका IIT निकलेगा आई कैन नॉट गारंटी, हो सकता है निकल जाए, उसके लिए भी सफिशियंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट हार्ड वर्क से IIT निकलेगा ये फॉर श्योर है, ये बिल्कुल श्योर श्योर शॉट, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इफ यू वर्क दिस हार्ड दिस मच हार्ड तो तुम्हारा IIT जरूर निकलेगा। बट अगर तुमने इतनी मेहनत नहीं करी और तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं, तुम्हें मैथ समझ आता है, जल्दी समझ आ जाता है दूसरों से, तो तुम बहुत अच्छा कर लोगे, नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां तो क्वेश्चंस लगा के जाने, प्रैक्टिस करनी है, छोटी छोटी गलतियां भी मैटर करती हैं बहुत, और ये मैंने चीज सीखी वहां से। तो मैं तुमसे भी ये बोलना चाहता हूँ, स्मार्ट हो बहुत अच्छी बात है, ये तो तुम्हारे पास प्रिविलेज है कि तुम और बच्चों को पीछे आसानी से छोड़ सकते हो, बट हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लाइक एक कहावत भी हमारे यहाँ के, बिहारी लोग बहुत मेहनत करते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, जो बनते हैं तो बहुत सारे IAS भी, मोस्ट ऑफ द IAS आर फ्रॉम बिहार, मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स आर फ्रॉम बिहार, तो वो इसीलिए क्योंकि वो मेहनती होते हैं भाई, ये लोगों के पास दिमाग से चाहे जैसे भी हो पर 18 घंटे पढ़ देंगे ये लोग, आप नहीं पढ़ पाओगे 18 घंटा, ये पढ़ लेंगे भाई, ये पढ़ सकते हैं 18 घंटा, ये पढ़ते हैं, मतलब वही मेरा भी पॉइंट है कि बस हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, हार्डवर्क से सिलेक्शन पक्का होगा, स्मार्ट वर्क से नहीं पता यार होगा कि नहीं होगा। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे, आ जाओ, बहुत आज के लिए काफी ज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। नाउ व्हेन वी यूज दिस वर्ड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है आइडेंटिकल, राइट। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का ये मतलब है
कि अगर हमारे पास कुछ रूट्स हैं, तो जनरली अभी मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये काम आप टेंथ में करके भी आए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले मेरे साथ ये समझो जो मैं भी समझा रहा हूँ, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का क्या मतलब है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का ये मतलब है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा में, अगर मैं अल्फा और बीटा को आपस में एक्सचेंज करूं तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े या एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में आप बीटा को अल्फा से और अल्फा को बीटा से चेंज करते हो तो देखो ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, अभी भी एक्सप्रेशन वही है। मैं आपको एक अनसिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स भी दिखाता हूं, एक अनसिमेट्रिक फंक्शन भी दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ये बात। अगर यही एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब होता सपोज, अब मैं अल्फा को बीटा से और बीटा को अल्फा से एक्सचेंज करता हूं तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, बदल गया एक्सप्रेशन। अल्फा की वैल्यू माइनस वन, बीटा की वैल्यू टू लेके देख लो, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, बट यहां पे आप अल्फा बीटा को कुछ भी ले लो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप अल्फा बीटा को कुछ भी ले लो ये वैल्यू हमेशा, ये एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहेगा। तो ऐसे फंक्शन या ऐसे एक्सप्रेशंस को हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जिसमें अगर हम एक वेरिएबल को दूसरे से इंटरचेंज करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन सिमेट्रिक फंक्शन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसी तरीके के हमारे पास बहुत सारे सिमेट्रिक फंक्शन बन सकते हैं, हम इन सब सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले, और जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक फंक्शन ही बने, ये तो बस एक स्टेटमेंट था कि आपको इस तरीके की चीजें अगर दिखती हैं तो इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। ना अब हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, एंड व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उस पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में चेंज करना है। सबसे पहले तो ये लिख लो, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यूज of a symmetric function, change the expression into alpha plus beta and अल्फा इंटू बीटा। आइए देखते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखते जा रहे हैं, आप इसको पहले मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला बेसिक एक्सपेंशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, अल्फा बीटा आपको रूट्स दिए होंगे, अभी आप क्वेश्चन से और समझ जाएंगे इस बात को क्या करना है। अल्फा बीटा दिए होंगे रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन एंड यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसको चेंज करूंगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब चेक करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर ही आएगी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, माइनस भी कर रखा है टू अल्फा बीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बनेगा। बट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने उस इक्वेशन के रूट नहीं निकालने पड़ेंगे मुझे, मैं उस इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा से ये बात निकाल सकता हूं बस, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा तो रिलेशनशिप से निकाला जा सकता है डायरेक्टली, ये काम आप टेंथ में करके भी आए हैं अगर आपको याद हो तो। पॉलीनोमियल्स चैप्टर में कराए होंगे क्वेश्चंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस वन अपॉन बीटा निकालना या ऐसे, बिल्कुल बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ सकती हैं। चलिए अब ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, तो पहला एक्सप्रेशन बना था अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से, हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा था, वो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, टू अल्फा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा दिया था, ये उसकी वैल्यू बन गई थी। वैसे ही अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिखते हैं तो बनेगा एक्सप्रेशन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू लिखी जा सकती है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, मेरे को पूरा एक्सप्रेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में ही चेंज करना है, जिससे कि मैं इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊं। कर दिया जी, फिर से देख सकते हैं। ऐसे ही बनाने को तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को भी बना सकते हैं, फिर उससे आगे भी बना सकते हैं, बट इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरली अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की भी जरूरत पड़ती नहीं है, बट अपन लिख लेते हैं इसको भी, क्योंकि अगर नीड पड़े तो ऐसा ना हो कि यार हमें प्रॉब्लम हो जाए। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आप थोड़े रीअरेंजमेंट के बाद इसे बना लेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, और साथ में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी अगर पड़े तो आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। फोर्थ इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज, सर थर्ड वाला हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होल का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। सर ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज माइनस टू अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर। तो सर वो अल्फा बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ कर सकते, तो फोर्थ वाला एक्सप्रेशन हमारे पास मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, गाइस रिमेंबर इट, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा घटाना है, अल्फा माइनस बीटा हो या बीटा माइनस अल्फा, तो ये वैल्यू बन सकती है रूट ऑफ, रूट का आंसर देखो मॉड में आता है, तो रूट ऑफ ठीक है रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, तो जो भी मुझसे पूछा गया है बेसिकली मैं उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में चेंज करना चाहता हूं, उससे मेरी वो चीज आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। ओके देयर आर सम मोर एक्सप्रेशंस, क्या मैं ऊपर वाला रब कर सकता हूं? बट बेसिक थ्योरी यही है कि कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई आइडेंटिटी हमारी लग रही होगी जिससे वो हम बना सकते हैं। सर फोर्थ वाला फिर से समझा दो प्लीज। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रूट्स, राइट? तो पहले तो ये देख, ये जो रूट के अंदर मैंने लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। हाँ सर वो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा रूट ऑफ, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ सर, और फिर वो रूट से कट जाएगा स्क्वायर, तो अल्फा माइनस तो रूट से स्क्वायर थोड़ी कटेगा डायरेक्ट, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो सॉरी मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू मॉड एक्स मॉड एक्स होती है। हाँ सर पता है, यस सर, बस वही करें एग्जैक्टली। ओके सर, ये सिमेट्रिक फंक्शन है। हाँ ये भी सिमेट्रिक फंक्शन, बट फिफ्थ नियतिक सिमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ सिमेट्रिक फंक्शन। अल्फा माइनस बीटा लिख या बीटा माइनस अल्फा लिख, अगर तुमने मॉड लगा दिया तब तो दोनों सेम ही है। यस, बट फिफ्थ नहीं है सिमेट्रिक फंक्शन, ऐसा भी नहीं कि सारी सिमेट्रिक फंक्शन देंगे हम,
और हमारा टारगेट ये है कि हम इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में चेंज करें। अब मैंने देखो इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिखा है, बट वी ऑल्सो नो द मेथड टू कैलकुलेट अल्फा माइनस बीटा, फोर्थ वाले में हमने ये देख लिया। सिमिलरली यार काफी एक्सप्रेशंस बन सकते हैं, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को हम लिख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी निकालना जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा को भी निकालना जानते हैं, यहां से हम इसको भी निकाल सकते हैं। और चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, ये अल्फा माइनस बीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। सर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू उससे फोर्थ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जस्ट गिव मी वन मिनट गाइस। चलिए जी ये तो एक्सप्रेशंस हैं, इनको तो हमने सीख लिया कि ये अल्फा बीटा सॉरी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में चेंज करने हैं। बोलते सर मैं कह रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं सर, लेकिन ये तो हमेशा मॉड आएगा ना? हाँ मॉड आएगा, बट अल्फा माइनस बीटा हम उस तरीके से निकाल लेंगे कि अल्फा माइनस बीटा हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन गिवन होगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, लाइक अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो उसी के हिसाब से हम निकाल लेंगे जो भी रूट बड़ा होगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा और बीटा तो अपनी मर्जी है, किसी को भी कुछ भी ले लो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाना। अब आ जाए ऐसा कन्फ्यूजन आएगा हो जाएगा इसमें। अल्फा एंड बीटा रूट्स हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, हमें वैल्यू बतानी है अल्फा पॉन बीटा प्लस बीटा पॉन अल्फा, अगेन सिमेट्रिक फंक्शन है, आप अल्फा और बीटा को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी चेंज कर दो, आप हर सिमेट्रिक फंक्शन को इजीली चेंज कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, देखिए अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, मैंने कहा सबको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए के इक्वल। पहली बात तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लिख के छोड़ दिया। अब मेरे को ये निकलवा रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अभी देख के आया था, मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा माइनस टू, मुझे कहना है रखते हैं सीएस रब की वॉइस क्रैक हो रही है अभी आ रही है यार, वो फोन आ गया था मेरे बीच में तो इसलिए क्रैक हो जाती है। हाँ सर अब आ रही है। सबसे पहले तो मुझे अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए थे, मैंने रिलेशनशिप लिखी, उसके बाद अल्फा कॉन बीटा प्लस बीटा कॉन अल्फा को चेंज करा जितना भी मैं रिड्यूस कर सकता था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रिड्यूस करते 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 मैं यहां तक पहुंच गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस टू। वैल्यूज पुट करना शुरू कर दूंगा तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए माइनस टू। ये बनेगा a से a के कैंसिल होगा और ये दोनों a और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर अपॉन ac माइनस 2। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देख लेता हूं आंसर किस फॉर्म में गिवन है। सर b स्क्वायर माइनस 2 ac अपॉन ac भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इसमें मैं ये दे रखा था ओके ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस इस पे बेस्ड। इफ अल्फा एंड बीटा फिजिक्स कौन पढ़ाता है भाई? पता नहीं फिजिक्स कौन पढ़ाता है, नहीं पता सर। मतलब अभी कैप्सूल कोर्स कोई और सर करा रहे हैं तो करना। कैप्सूल कोर्स तो आजम सर करा रहे हैं, वैसे हम एसआर सर पढ़ाते हैं। सर मुझे आजम सर ही पढ़ाते हैं मेन वाला भी। क्या सर, सर क्या कह रहे हो आप? एसआर सर मतलब रेबर्स, शम्स रेबर्स सर ना? हाँ सर एसआर सर। अच्छा सर चश्मा पहनते हैं जो? हाँ जानते हैं सर, उनका फर्स्ट नेम नहीं पता मुझे क्योंकि उनका शॉर्ट फॉर्म ही आता है ऐसा। बताया तो मैंने भी शाम से लेकर सर। ओके सर ओके सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज। हां जी मेरे को एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके बताओ आप, मैं तो ये जानना चाहता हूं कैसे रिड्यूस करूं मैं। अगर रिड्यूस कर लेंगे तो फिर निकाल ही लेंगे, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इनटू बीटा भी पता है। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आर बाई पी। ये अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, इसको कैसे रिड्यूस करें? एनीवन? सर कॉमन निकाल के बता दे क्या? अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा और फिर उसको कर देंगे। हाँ सर उसको लिखें क्या ये बताओ? अब अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, बट अब आप ऐसा मत करो, अब थोड़ा तेज चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डायरेक्टली लिख लो पहली बारी में। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अबे तो यहीं से स्टार्ट करो, अल्फा बीटा आर अपॉन पी है, ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बनेगा, माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू आर अपॉन पी बनेगा, ऊपर नीचे पी से मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे कि ये भी पी स्क्वायर बन जाए। क्या बना? आर
into q square minus 2rp divided by pq. ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा. यस सर. बिल्कुल. तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन सकते हैं सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के. नाउ नेक्स्ट क्लास में जो हम चीज सीखेंगे वो बड़ी सही चीज है. नेक्स्ट क्लास में हमारे सारे टॉपिक बहुत अच्छे हैं जो भी हम पढ़ने वाले हैं. हमें दो क्लास, दो तो नहीं, तीन क्लास लगेंगी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म, फिनिश, थ्योरी ऑफ इक्वेशन को फिनिश करने में. क्वाड्रेटिक के तो कम ही काम रह जाएगा, क्वाड्रेटिक का तो बस नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे खत्म हो जाएगा ना सर. नेक्स्ट अभी क्या है, आज आज थर्सडे है तो ट्यूसडे संडे फिर ट्यूसडे. तीन क्लास में हमारा पूरा फिनिश. लिख लेते हैं, मिलते हैं. थैंक यू सर. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, bacha. Bye-bye. Bye, Divyanshu.